Hi, I'm Abhi. And I'm Neo, and this is our new challenge. Starting today, हर दिन 15 seconds में हम आपको भारत के बारे में कुछ amazing facts बताने वाले. क्योंकि हम सबको पता है that India is amazing, but we'll tell you why. This is ABCs of Bharat. A for APJ Abdul Kalam. Did you know Abdul Kalam sir को एक fighter pilot बनना था. लेकिन sports सिर्फ art थे और उनका rank आया 9th. इस failure के बाद उन्होंने suicide भी consider किया था. Just imagine, अगर उन्होंने तभी give up कर दिया होता तो वो भारत के सबसे loved राष्ट्रपति नहीं बनते. B for Bodhayana. This is the Pythagoras theorem. लेकिन Pythagoras से पहले एक Indian mathematician ने इसे discover किया था in 800 BC and his name is Bodhayana. Now this is not about credit. This is about knowing that Indians are smart. C for Chandrayaan. Did you know Chandrayaan 1 ने पहली बार moon पर water molecules को detect किया था. इस discovery का credit NASA लेता है क्योंकि वो instrument जिसने ये detect किया वो NASA का था. Credit किसी को भी मिले. Ultimately benefit पूरे humanity को होने वाला है. D for Digboy. Digboy India का first oil well है. लेकिन इसके नाम के पीछे एक interesting story है. Railway construction के time पे British officers को elephants के पैरों पे oil prints दिखे. After that they made Indians dig for oil saying Digboy, Digboy, and that's why the place is called Digboy. E for Ellora Caves. Did you know कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें aliens ने बनाया था. कैलाश टेम्पल दुनिया का सबसे बड़ा structure है जो एक single mountain से carve out किया हुआ. Top से देखने पर ये ऐसा दिखता है with an X on top. इसके architects इतने amazing थे कि कोई भी human ये achieve कर सकता है ये believe करना impossible है. F is for finger millet और रागी. ये छोटा seed भारत का एक छुपा हुआ superfood है. Milk को calcium का source मानते हैं लेकिन रागी में milk से ज्यादा calcium होता है. इसे grow करने के लिए काफी कम पानी लगता है, making it one of the best crops for India. G for Gol Gumbaz. ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रूम है आफ्टर द चर्च इन वेटिकन. इसमें एक विस्परिंग गैलरी है. कहते हैं कि एक कोने में विस्पर करने से पूरे डोम में सुनाई देता है. नाउ दैट्स ट्रूली अमेजिंग. H for हम्पी. आपके 50 रुपी नोट के पीछे हम्पी का फोटो है. लेकिन क्यों? हम्पी विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था. 16th सेंचुरी में दुनिया का सेकंड मोस्ट प्रॉस्परस सिटी था. आज भी हम्पी के रुइंस इतने अमेजिंग है कि न्यूयॉर्क टाइम्स मस्ट विजिट प्लेसेस में हम्पी टॉप 2 में आता. I is for Imma Market in Imphal, which is 100% run by women. इसे Mother's Market भी कहते हैं. ये उनकी cultural identity है. इसे तो British भी नहीं हटा पाए. In fact, जब local media नहीं थी, लोगों को सारी news इन्हीं से तो मिलती थी. J for Jaydev Bayam. He is India's forest man. इन्होंने आसाम में एक एक पेड़ लगाकर 15 football stadiums जितना forest बना. पहले ये island एक बंजर जमीन था और आज एक आदमी के effort से ये एक forest बन गया. कौन कहता है अकेला इंसान दुनिया नहीं बदल सकता? जयदेव सर ने ये करके दिखा. के इसको कोणार्क सन टेम्पल. ये आपके 10 रुपए के नोट पर है. ये टेम्पल एक बहुत बड़े चैरिट के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया था. कहते हैं टेम्पल्स के व्हील से आज भी टाइम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग द सन्स रेज. नाउ दैट्स अ ब्राइट टेक्नोलॉजी. एल फॉर लोनार लेक. और मीट योर क्रैश इनटू महाराष्ट्र और उसी से ये लेक बना. यहाँ पर ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो दुनिया में कहीं और सर्वाइव नहीं कर सकते. इन माइक्रोब्स की वजह से ओवरनाइट कभी कभी ये लेक पिंक बन जाता है. और इस लेक के मिस्ट्रीज नासा के साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए. एम इज फॉर मणिपुरी डांस. ये अपने ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स और रासलीला परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. व्हेन द ब्रिटिश एनेक्स मणिपुर तब ये डांस फॉर्म फेड आउट होने लगा. लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इस डांस फॉर्म को रिवाइव करके इसे मॉडर्न भारत का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया. एन फॉर नेत्रानी आइलैंड. ये आइलैंड कर्नाटका के मुर्डेश्वर टाउन के पास. यहाँ पर काफी सारे टाइप के कोरल्स, फिशेस और ईल्स भी होते हैं. हम अंडर वाटर मरीन लाइफ से अपनी लाइफ में काफी ज्यादा डिस्कनेक्टेड होते हैं. बट ऐसे कई स्पॉट्स इंडिया में भी हैं जहाँ पे हम इनसे कनेक्ट कर सकते हैं. ओ इज फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स ऑफ ओडिशा. ये टर्टल्स खास पूरी दुनिया घूमकर इंडिया में आते हैं नेस्टिंग करने के लिए. कोरोना वायरस की वजह से इन टर्टल्स को एक खाली बीच मिला और ये नेस्टिंग काफी अच्छे से कर पाए. लैक्स ऑफ स्मॉल टर्टल्स हैच, शोइंग जस्ट हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज इफ ओनली ह्यूमंस लेट इट ट्राई. पी फॉर पाटन पटोला. ये इंडिया का सबसे लग्जूरियस फैब्रिक. कभी कभी इसके एक साड़ी की प्राइस 2 लाख रुपए तक जा सकती है. लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि ये किसी बड़े डिजाइनर ने डिजाइन की, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा मेहनत लगती. भारत की हैंडलूम इंडस्ट्री एक्चुअल में काफी अमेजिंग है. Q is for लाल किला. ये फोर्ट आपके 500 रुपए के नोट के पीछे. इसे शाहजहां ने बनाया, नादिर शाह ने लूटा और फिर ब्रिटिशर्स ने तोड़ा और फिर लूटा. पंडित नेहरू फर्स्ट होस्टेड अवर नेशनल फ्लैग फ्रॉम हियर और यही ट्रेडिशन हर साल इंडिपेंडेंस डे पर दोहराया जाता है. R for रानी की वाव. ये स्टेपवेल आपके 100 रुपी नोट पर. इसे एक रानी ने अपने पति के लिए बनाया. रानी की वाव वॉज बरीड अंडरग्राउंड ड्यू टू मेजर फ्लड इन सरस्वती रिवर. ASI ने 30 सालों तक केयरफुली इसे एक्सकवेट किया और प्रिजर्व किया. आज ये पाटन की और गुजरात की शान है. S is for श्रीनिवास रामानुजन. रामानुजन ने अपने शॉर्ट लाइफ में 3900 इक्वेशंस और थ्योरम सॉल्व किए. उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी उनके बुक्स और नोट्स को मैथमेटिशियंस आज तक डिकोड कर रहे हैं.
टी इज फॉर तंजावुर पेंटिंग्स और ये तमिलनाडु के तंजावुर टाउन से 16th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुए हैं. दीज पेंटिंग्स आर मेड विद गोल्ड सिल्वर एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स. दीज पेंटिंग्स वर स्टार्टेड बाय द नायक्स ऑफ तंजावुर हु वर अ पार्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग टुडे. यू इज फॉर उनाकोटी. उनाकोटी त्रिपुरा के हिल्स के एक हिडन वंडर. यहाँ पर एक्चुअली ऐसे 1 crore स्कल्पचर्स हुआ करते थे. भारत में ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होगा. डोंट यू थिंक ये वंडर्स हमारे टेक्स्ट बुक्स में होने चाहिए. V is for Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai ने ISRO को स्टार्ट करके इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को बढ़ावा दिया. सिर्फ ISRO ही नहीं, इन्होंने IIM अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किए. His focus on rocket technology has changed India forever. We salute you, sir. W is for Warli Paintings. ये ट्राइब मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं और काफी सिंपल लाइफ जीते. ट्राइब की डेली सोशल लाइफ कैसे होती है ये इन पेंटिंग्स में दिखाते हैं. इन सिंपल पेंटिंग्स की वजह से वारली और वारली आर्ट पूरे इंडिया में पॉपुलर. X is for extraordinary Savitribai Phule. Savitri and her husband Jyotiba revolutionized education in India. इन्होंने इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल चालू किया और अपने एफर्ट से एजुकेशन को बेहतर बनाया. थैंक यू सावित्रीबाई. Y for यक्षगान. ये कर्नाटका का एक फोक थिएटर आर्ट फॉर्म. यक्षगान में महाभारत रामायण के वेरियस स्टोरीज पर परफॉर्मेंसेस होते हैं, लेकिन इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये सारी चीजें अनस्क्रिप्टेड होती है. एक्टर्स इम्प्रोवाइज करते हैं और परफॉर्म करते हैं. Isn't it amazing? Z is for the kiwi farmers of Zero. Zero अरुणाचल प्रदेश का एक वैली है जिसे शायद आप उसके म्यूजिक फेस्टिवल के लिए जानते होंगे, बट यहाँ पे देसी कीवीज भी मिलते हैं और यहाँ की एक एंटरप्राइजिंग लेडी ने कीवी वाइन बनाना शुरू किया है. इस वाइन का नाम नारा आवा है और ये असम और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है. नाउ दैट्स अ स्वीट एंडिंग.